एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, तो इन जितनी भी था। कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल के खिलाफ लूट समेत अन्य आरोपों में दर्ज मामले में अदालत ने कुर्की का नोटिस जारी किया है। आपराधिक मामले में पुलिस और न्यायालय स्तर पर कानूनी कार्रवाई जारी है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल बार एसोसिएट के पूर्व चेयरमैन विवेक शंकर तिवारी ने अपने कार्यालय में सोमवार को इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके साथ अनु सिंह और उनके पति भाजपा समर्थक राजेश सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने लालपुर पांडेपुर थाने में रोशनी जायसवाल और 21 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अधिवक्ता तिवारी ने आरोप लगाया कि 15 सितंबर को रोशनी, उनके पति और अन्य 20 लोगों ने राजेश सिंह के घर में घुसकर उनके परिवार के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट की थी। सर, राजेश जी के आप वकील हैं, सारे मामले आपके सामने हैं, क्या अभी तक कार्रवाई और आगे क्या आप लोग कुछ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, ये जो मुकदमा अनु सिंह की तरफ से गंभीर और बड़ी घटना के बाद कायम कराया गया है, उसमें पुलिस की जांच में, अब तक की जांच में गिरफ्तार हुए हैं रोशनी कुशल जायसवाल के पति कुशल जायसवाल, इनके गैंग के जो सूरज शास्त्री एक सदस्य हैं, इनके सगे भाई निहाल अरोड़ा जेल में हैं, एक अभिषेक यादव हैं और एक मृत्युंजय गुप्ता हैं। इतने लोग अभिरक्षा में हैं और जेल में हैं। बाकी रोशनी कुशल जायसवाल के विरुद्ध पहले NBW जारी हुआ, गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। विवेचक ने काफ़ी प्रयास किया कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए, जब इनका अता पता नहीं चला, ये फरार हैं, मुतवातिर फरार हैं, घटना के बाद से ही फरार चल रही हैं। तब न्यायालय में प्रतिवेदन दिया विवेचक ने धारा 84 BNSS के तहत, और न्यायालय ने नोटिस चस्पा किए जाने का आदेश पारित किया और पुलिस ने इनके घर पर जाके दरवाजे पर चिन्हित स्थानों पर धारा 84 की नोटिस भी चस्पा किया है और वहां पर मुनादी की गई, डुगडुगी बजाई गई। सर, आगे किस तरीके की कार्रवाई, क्योंकि लगातार इनको आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने बलात्कार का प्रयास किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया मीडिया के सामने इन्होंने दिल्ली से किया है। देखिए, जो रोशनी कुशल जायसवाल ने जो आरोप लगाया है कि बलात्कार की धमकी दिया, बलात्कार का प्रयास किया, ऐसा कोई साक्ष्य अगर हो, मैं कांग्रेस पार्टी के उन प्रवक्ताओं से भी मांग करता हूं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अलका लांबा जी ने और विनेश फोगाट जी ने, इसके पहले सुप्रिया श्रीनेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक बयान दिया कि राजेश सिंह ने बलात्कार की धमकी दिया है, तो अगर इनके पास कोई एक भी साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करें न्यायालय में, सेफरान राजेश सिंह आत्मसमर्पण कर देंगे। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया के उस पर देखा जाए तो कहीं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीफोन नंबर भी राजेश सिंह के पास रोशनी कुशल जायसवाल का है नहीं, तो कैसे धमकी देंगे, किस प्रकार धमकी देंगे, क्या साक्ष्य है इनके पास कि इनको जो है बलात्कार की धमकी दिया गया है। सर, आप अधिवक्ता हैं, अब सोशल मीडिया की लड़ाई अब राजनीतिक भी हो गई, तो ऐसे में दोनों परिवार मतलब परेशान है? नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देखिए, एक बात आपको जानना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी अब तक कहाँ थी, कांग्रेस के यही प्रवक्ता लोग इतने दिन 41 दिन तक कहाँ थे। जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब रोशनी कुशल जायसवाल को कानून बख्शने की मूड में नहीं है, कानून से उनको कोई राहत नहीं मिलनी है, अग्रिम जमानत याचिका रोशनी कुशल जायसवाल का वापस ले लिया गया उनके अधिवक्ता के द्वारा, और उच्च न्यायालय से भी इतने गंभीर प्रकरण में उनको कोई राहत नहीं मिल रही है, सारे अभियुक्तगण जो न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में हैं, सत्र न्यायालय से सभी की जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी है, तब कांग्रेस पार्टी को एक अंतिम हथियार मिला कि नहीं, अब इस मामले को राजनीतिक तूल दिया जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, तभी एक अपराधी जो वांछित अपराधी कानून की है रोशनी कुशल जायसवाल, जिनको पुलिस लगातार दबिश दे रही है, मुतवातिर खोज रही है, उसको संरक्षण प्रदान कर रही हैं और उसके बाद उनको कानून की नज़र से बचाया जाए, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है। वकील साहब, एक अहम सा प्रश्न उठता है कि जो वीडियो शेयर हुआ है वो इनके व्यक्तिगत नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से शेयर हुआ है? शेयर हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे, इस तरह की चीजें? ये शुद्ध रूप से एक अपराध पर, एक गुनाह पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है और विक्टिम कार्ड जो है कांग्रेस की तरफ से खेला जा रहा है, एक महिला को प्रस्तुत करके कि नहीं, ये महिला है, महिला के खिलाफ अपराध हुआ, महिला को धमकी दी गई, धमकी का कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास। रोशनी कुशल जायसवाल महिला हैं,
लेकिन अन्नू सिंह महिला नहीं है, राजेश सिंह की पत्नी को मारा गया, उस घरेलू स्त्री को मारा गया, उस पर्दानशीन औरत को मारा गया, मारा ही नहीं गया, उसको घर से खींच करके बाहर लाया गया और सार्वजनिक रूप से उसका वस्त्र फाड़ करके उसको अर्धनग्न किया गया, राजेश सिंह की हत्या का प्रयास किया गया, रोशनी कुशल जायसवाल ने जो फेसबुक ऑफिशियल अपने पेज से लाइव किया है, सारे साक्ष्य उसमें समाहित है। अगर अंधा भी देखेगा उस वीडियो को तो उसमें मान लेगा कि नहीं दोषी कौन है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएचयू आईआईटी की घटना को लेकर राजेश जी से जोड़ आईआईटी की घटना, राजेश सिंह बलात्कारी है क्या? राजेश सिंह के खिलाफ कोई एक मुकदमा कायम है क्या? अगर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस झूठी एफआईआर की बात तो दरकिनार करिए। रोशनी कुशल जायसवाल ने जो क्राइम नंबर 332 कायम कराया, ये फर्जी, टोटली फर्जी एफआईआर है। दबाव बना करके थाने पर कांग्रेस के लोग गए थे, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गए थे, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लालपुर थाने पे तमाम हंगामा किया, उसका भी वीडियो फुटेज है। हंगामा करने के बाद एक फर्जी एफ